अगर पांच विकारों का अंश भी रह गया तो सत्य में जा सकते हो। तो सोचो कितनी क्रूर आत्माएं हैं और कितनी आत्माएं सत्य में जाती है, कितने राजा बनते हैं, आठ ही। तब कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई, लेकिन उसके कोई कठिन तपस्या नहीं कहा, आराम संसार में रहो, सवेरे 15-20 मिनट, शाम को 15-20 आधा घंटा तपस्या करो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। तो ये नहीं किया तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। शिव बाबा रथ हो, शिव बाबा के साथ भी बैठो, तब कल का हीरे के साथ एक पत्थर रखो तो हीरा बन जाएगा। एक साल या 10 साल रखो आप शिव बाबा के साथ, बाबा आता है बाबा के साथ बाजू में बैठो तो अपने आप बन जाएंगे बाजू में बैठने से। नहीं, कभी कभी हमारी इच्छा होती है नजदीक जाके दृष्टि ले लो, सिर पर हाथ रखो, दृष्टि से होता तो भगवान सभी को तमोव्रत सत्व प्रदान कर देता था। बच्चे ये सारी भावनाएं, कुछ नहीं होने वाला है। आपने पाप भी सिर्फ दृष्टि से नहीं किया, बोल से, हाथ से, कर्मों से किया हुआ है, वो भी उसी प्रकार से मिटाना पड़ेगा। सिर्फ दृष्टि दे दो, दर्शन करो, तो ये भक्ति भावना ऐसे। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बाबा सर्जन हो, बताएगा दवाई, लेनी आप लो। समझ में आया? ऐसा नहीं समझना कोई भी किसी के, सबके लिए। ब्रह्मा बाबा को भी अंत तक खांसी थी, बाबा कहते थे बच्ची ये तुम्हारे कर्मों का फल है, मैं नहीं कुछ करूंगा, तुमको मिटाना है।